वेलकम टू किड्स लर्निंग सेंटर, जिसमें आज हम छोटे बच्चों के लिए आई की मात्रा लेकर आए हैं कि छोटे बच्चों को हम जब बच्चे केजी में जाते हैं तो बच्चों की मात्राएं शुरू हो जाती हैं। जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में ए की, छोटा की, बड़ा की और छोटा हो बड़ा हो सबकी मात्रा सिखाई, आज हम बच्चों के लिए लाए हैं ए की मात्रा, कि आप किस प्रकार बच्चों को ए की मात्रा सिखा सकते हैं। और आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चों को हम ए की मात्रा कैसे सिखा सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे ए की मात्रा, कि ए की मात्रा कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम ए की मात्रा हमने सीखा था, तो क्या ए की मात्रा में हमने क्या लगाया था? सिर्फ एक मात्रा लगाई थी, लेकिन यहाँ हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ हम कौन सी मात्रा पढ़ेंगे? ए की। तो ए की मात्रा की जब बात आएगी, जब हम मुंह से बोलते हैं ए की मात्रा, तो ए की मात्रा यानी दो मात्रा हमें कितनी लगानी है? दो मात्रा लगानी है। तो देखेंगे कैसे, जैसे क्या है स ए, इसको क्या पढ़ेंगे? ए स ए र, यानी क्या हो गया? सैर। क्या लिखेंगे? स ए की मात्रा सै, क्या हो गया? सैर। क्या हो गया? सैर। अभी क्या है? त। फिर किस चीज की मात्रा है? ए की मात्रा, और फिर र, तो क्या लिखेंगे? त। और ए की मात्रा में कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा, तै, और फिर क्या है? र, तो क्या हो गया? तैर। अभी क्या है? ख। ख के बाद ए की मात्रा, ख ए की मात्रा, फिर र, तो हम अगर मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ख। और कौन सी मात्रा? ए की। ए की मात्रा कितनी होती है? दो, और ए की मात्रा एक, और र, क्या हो गया? खैर। अभी क्या है? ब। ए की मात्रा बैर, तो क्या हो गया? बैर। ब, ए की मात्रा और र, तो क्या हो गया? बैर। सैर, तैर, खैर, बैर। तो हमने अभी क्या हमने सीखा कि जब हम ए की बात करेंगे तो कौन सी दो मात्रा की हम लिख कर लगाएंगे, और जब अगर हम एक मात्रा बोलेंगे, जैसे सेब, जैसे हमने क्या बोला? सेब। तो सेब कैसे लिखेंगे? स, कैसे बोल रहे? से, ए, ए बोल रहे ना, तो ए ब, तो क्या हो गया? सेब। अब हमने क्या बोला? सै। कौन सी मात्रा बोल रहे हम उसे? ए, सै, तो क्या हो गया? स। मैम क्या बोले? ए, सै, र, तो क्या हो गया? सै। तो इसी तरह हम देखेंगे ए की मात्रा में दो मात्रा और ए की मात्रा में एक मात्रा। बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि शब्द पढ़ें और ए की मात्रा लगाएं। कौन सी मात्रा लगाएं? ए की मात्रा लगाना है, तो क्या है? मा ना, तो किसमें ए की मात्रा लगाएंगे? ना में तो मात्रा पहले से लगी है, तो हमें किसमें लगाना है? माँ में। माँ में कौन सी मात्रा लगानी? ए की। ए की मात्रा कैसे लगती है? ये कौन सी मात्रा होगी? ए की, लेकिन हमें ए की मात्रा लगानी है, तो ये क्या हो गया? मैं ना, क्या हो गया? मैं ना। फिर क्या है? क स। क स, तो किसमें मात्रा लगानी? क में। ए की मात्रा, तो क्या हो गया? कै सा, क्या हो गया? कैसा। फिर क्या है? ज स, तो किसमें मात्रा लगानी है? ज में, तो क्या बन जाएगा? जय सा, क्या हो गया? जय सा। फिर क्या है? त में मात्रा लगानी है, त स, तो किसमें? सा में तो मात्रा लगी है, तो फिर किसमें लगानी है? त में, तो क्या हो गया? तय सा। फिर क्या है? थ ल, तो किसमें मात्रा लगेगी? है कि था में। कौन सी, कितनी मात्रा लगेगी? सही है नहीं, तो इसमें कितनी ए की मात्रा लगानी है, तो क्या हो जाएगा? थैला। ये क्या है? फल, तो किसमें मात्रा लगानी है? फॉर्म में ए की, तो क्या हो जाएगा? फैला। और ये क्या है? प न, तो किसमें मात्रा लगाएंगे? ए की प में, तो क्या हो गया? पे ना। फिर क्या है? वस, तो किसमें मात्रा लगानी है? व में, दो मात्रा लगानी है ए की, तो क्या हो गया? वैसा। फिर क्या है? छ ल, तो छ में किस, कौन सी मात्रा लगेगी? ए की, तो क्या हो जाएगा? छह ला। फिर न य, न में कौन सी मात्रा लगेंगी? ए की। ए की मात्रा कितनी होती है? दो बार, तो क्या हो गया? नए या। अब क्या है? ब ल, तो बाद में कौन सी मात्रा लगाएंगे? ए की, तो क्या हो गया?
बैल बैल और क्या है रा में कौन सी मात्रा लगाएंगे ए की तो क्या हो जाएगा रे ना तो हम फिर से पढ़ेंगे मैं ना कै सा जय सा तय सा थाए ला है ला पै ना वै सा छै ला नै या बै ल रे न तो हमने क्या अपने क्लास में पढ़ा ए की मात्रा बच्चों में नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की मात्रा वाले शब्द पर गोला बनाएं तो यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं पूरा वाक्य लिखा है उसमें से हमें ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढना है उसमें क्या करना है उसमें हमें गोला करना है तो हम पहला शब्द पढ़ेंगे कै लाश सैर कर तो इसमें कौन सी मात्रा लगी ए की तो ये क्या हो गया इसपे हमें सर्कल कर देना है और दूसरा क्या है सैर सैर में भी हमें सर्कल करना है कर फिर क्या है बैर मत कर तो किसमें सर्कल होगा बैर में कौन सी मात्रा लगी है ए की और फिर क्या है जैसा कहा वैसा कर तो इसमें ए की मात्रा वाले शब्द कौन से है जैसा जैसा में कौन सी मात्रा लगी है दो मात्रा ए की और फिर क्या है वैसा फिर इससे हमारा मैला थैला मत रख तो इसमें ए की मात्रा कौन सी है मैला में और किसमें है ए की मात्रा मत में है क्या नहीं किसमें है थैला में तो क्या हो गया मैला थैला मत रख फिर नेक्स्ट है हमारा बैठ मत तो इसमें किसको किसमें गोला लगाना है बैठ में और ये क्या है मैदान जा तो किसमें गोला लगाएंगे मैं में मैदान फिर क्या है बैटरी ला तो किसमें गोला लगाएंगे ला में लगाना है कि बैटरी में और ये क्या है पैसा दे तो किसमें लगाना है दे में लगाना है कि पैसा में किसमें लगाना है पैसा में तो आज हमने अपने क्लास में क्या सीखा ए की मात्रा और ए की मात्रा में कितनी मात्राएं होती है दो मात्राएं होती है कैसे कैलाश सैर कर बैर मत कर जैसा कहा वैसा कर मैला थैला मत रख बैठ मत मैदान जा बैटरी ला पैसा दे तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने बच्चों को इसी प्रकार ए और ए की मात्रा में फर्क करना सिखाएं कि जब ए की बात होती है तो एक मात्रा का यूज होता है जब हम ए की बात करते हैं तब हम दो मात्रा लगाते हैं तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए गॉड ब्लेस यू